और जैसे कि हमने मृत्यु की बातें करी हमने आत्मा के साइकिल की बातें करी आ, अभी हम जिस समय पॉडकास्ट रिकॉर्ड कर रहे हैं पितृपक्ष चल रहे हैं सो so, श्राद्ध की क्या इम्पोर्टेंस है हमारे कल्चर में या पिंडदान की क्या इम्पोर्टेंस है श्राद्ध देखिए शास्त्रीय परंपरा है इससे कोई नकार नहीं सकता मैं भी नहीं कह सकती इसके ऊपर कि नहीं होना चाहिए होना चाहिए हमारी परंपरा है हमारे ऋषि मुनियों ने बनाई है पिंडदान की व्यवस्था ऋषि मुनियों ने बनाई है लेकिन अगर आप मुझसे पूछो पर्सनली मुझसे पूछो ये मेरा व्यक्तिगत विचार है इसमें ना किसी शास्त्र का आ, मैं भक्ति के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखती हूँ तो मुझे ऐसा लगता है कि मेरे मरने के बाद अगर कोई गया जी में जाके मेरे लिए कुछ दाल आटा चावल दान कराएगा तो क्या उससे मेरा उद्धार हो जाएगा क्या मेरा बेटा मेरे लिए कुछ दान कर दे मेरी मुक्ति उसमें कैसे हो सकती है अगर मैंने जीवन में अच्छे कर्म नहीं किए हो तो मे मुझे ऐसा लगता है कि ये व्यवस्था जो बनी हुई है ये एक हद तक हमें मदद करती है लेकिन अगर आप मुक्ति चाहते हो मुक्त होना चाहते हो तो आपको उसके लिए खुद काम करना पड़ेगा आप अपने बच्चों आप आगे आने वाली पीढ़ी के भरोसे नहीं जी सकते कि ये कर देंगे और मुक्त हो जाएंगे अब मैं इस बात को अपनी कथाओं में भी कहती हूँ कि जीते जी अपना पिंडदान खुद करके जाओ पिंडदान का मतलब वो वाला नहीं श्राद्ध वाला नहीं पिंड का मेरा मतलब है ये शरीर ये शरीर हमारा जो है ये पिंड है इसको दान करो इसको दे दो किसको दे दो भगवान को दे दो ये गले में जो कंठी हमने पहन रखी है तुलसी की माला इसका मतलब है कि हम जीते जी अपना पिंडदान कर चुके हैं हम भगवान के हो चुके हैं हमने अपने आप को उनको समर्पित कर दिया अब हमें किसी की जरूरत नहीं कल को कोई ना भी करेगा हमारे लिए श्राद पिंडदान तो हम मुक्त हैं क्योंकि हम भगवान के हो चुके हैं लेकिन मैं आम जनता जो आम जनमानस है उनसे ये सलाह तो नहीं दूंगी कि आप श्राद्ध मत करिए पिंडदान मत करिए वो एक आम इंसान के लिए गृहस्थ के लिए बहुत जरूरी है पर इतना जरूर कहूंगी किसी के भरोसे मत रहो कंठी धारण करो और अपने शरीर को भगवान से जोड़ दो आपने बीच में एक बात कही थी कि जीते जी मरने की तैयारी करनी चाहिए ये क्या स्टेप हैं हैं? जो मरने की हम तैयारी कर सकते आप सेवा करिए पहली चीज जो है वो सेवा है सेवा मतलब जहां आपको लगता है कि किसी मानव को आपकी आवश्यकता है किसी प्राणी को आपकी आवश्यकता सेवा करिए उनकी तो ये आपका एक कार्बिक अकाउंट बैलेंस बढ़ा तैयारी क्या है मतलब जैसे हम बैलेंस अकाउंट में डिपॉजिट करते जा रहे करते जा रहे लेकिन ये हमारा भौतिक अकाउंट है एक है आध्यात्मिक जगत आध्यात्मिक अकाउंट वो अभी ज़ीरो है उसका बैलेंस बढ़ाओ वो तैयारी है कि जहाँ मान लो मुझे भारतीय मुद्रा इंडियन करेंसी अगर मुझे यूएस में चलानी हो तो मैं रुपया लेके पहुंच जाऊं और वहां मार्केट में जाके कहूँ रुपया लो तो कोई नहीं लेगा मुझे क्या करना पड़ेगा उसको एक्सचेंज कराना पड़ेगा डॉलर्स में करेंसी वही है पर एक्सचेंज होना जरूरी है आगे की तैयारी से मेरा मतलब है कि हम जो कमा रहे हैं जीवन में ये उस दुनिया में नहीं जाता ये उस जगत में नहीं जाता तो हमको क्या करना है उसको एक्सचेंज करना है एक्सचेंज करेंसी कैसे होगी कि हम हमारे पास जो है हम उसको दूसरों की सेवा में लगाएंगे तो इसका मतलब एक्सचेंज हुआ और अब वो एक आध्यात्मिक पूंजी बन के हमें वहां मिल जाएगा तो ये हमें करना पड़ेगा सेवा करिए और दूसरा भगवान की भक्ति बिना भजन उमा कहूँ मैं अनुभव अपना सतहरी भजन जगत सब सपना भगवान शंकर कह रहे पार्वती को तुम कितने भी लाख प्रवचन दे लो कितनी भी बड़ी बड़ी बातें कर दो पर पार्वती मेरे सारे जीवन का अनुभव यह है बिना भजन बिना भक्ति के जीवन एक सपना और एक खाली निराशा से भरा हुआ है तो सेवा और भजन ये दो चीज मुझे लगता है आगे आने वाले जीवन की तैयारियां हैं